Alhamdulillah. Azim Muradin Zolsa Boyose Inshallah. Aro Zolsa Upostit Thakibo Amar Biharor Hazrat Maulana Abdullah Selim Soturbedi Saheb Dekhate Thakibo Inshallah. Aro Dekhatok Apunak Dekhwar Karone Chesta Korim Inshallah. जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाह अकबर 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 बयान रखे आमी जाबे देखाबो बयान हलो इंशाल्लाह আমার বড় ভাই সকল বুজুর সকল আরার সম্প্রদায়ের বড় ভাই সকল अंग्रेज ने चारों तरफ से टीपू सुल्तान को घेर लिया गया। दाएं तरफ से भी एक फौज, सामने से भी अंग्रेज की फौज, बाएं तरफ से भी एक अलग फौज और पीछे समंदर है। श्रीरंगापट्टनम मैसूर में चले जाइए, मैं गया उस इलाके का दौरा हुआ, घेर दिए गए। डेली कुरान करीम एक पारा पढ़ते थे टीपू सुल्तान फजर की नमाज के बाद। लेकिन जिस दिन लड़ाई होगी, जिस दिन मैदान में तलवार लेकर निकलेंगे अंग्रेज के खिलाफ, टीपू सुल्तान उस दिन फजर की नमाज के बाद दो पारा तिलावत करके निकले। टीपू सुल्तान जैसे ही अपने किले से बाहर निकले, 1799 में किले से जैसे ही बाहर निकले तो उनके पास दोनों हाथों में दो तलवार थी। घोड़े का जीन बांध दिया, दोनों हाथों में दो तलवार। उमूमन ऐसा होता है जंग के मैदान में एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कभी कभी ढाल होता है नीचे, लेकिन एक हाथ में जीन। लेकिन टीपू सुल्तान की उस दिन दोनों हाथ में तलवार थी, दोनों हाथ में। महल से बाहर निकले, उसी के एक बड़े वजीर ने दगाबाजी की अंग्रेज से मिला हुआ था। जैसे देखा कि टीपू सुल्तान बाहर निकला, फौरन जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया किले का। टीपू सुल्तान अकेले लड़ते हुए दिखे। टीपू सुल्तान जब अंदर जाना चाहते थे, हमला जोर से हो रहा था कि थोड़ा सांस ले लें और थोड़ा बचें से फिर लड़ेंगे, तो अंदर से दरवाजा बंद कर दिया गया। टीपू सुल्तान तने तनहा बाहर रह गए। लेकिन तारीख में लिखी गई है यह बात कि आज तक हर कोई योद्धा, हर बड़ा से बड़ा बहादुर एक हाथ से तलवार चलाता, लेकिन टीपू सुल्तान जब शहीद होने वाले थे, जब अंग्रेज से मुकाबला कर रहे थे, तो एक हाथ में दो हाथ से एक वक्त में तलवार चला रहे। आज तक दुनिया में इतना बड़ा योद्धा पैदा नहीं हुआ जो एक वक्त में दोनों हाथ से तलवारों से दुश्मनों के से मुकाबला कर रहा। तारीख में लिखी गई है यह बात कि आज से पहले वो एक पारा तिलावत करता था तो एक हाथ से तलवार चलाता था, लेकिन जब दूसरे लास्ट दिन दो पारे की तिलावत किया, दो चैप्टर की कुरान करीम की, तो उनके दूसरे बाजों में अल्लाह ने ताकत दी और कुरान की तिलावत के सदके में दोनों हाथों में उनकी इतनी ताकत आई कि वहीं पर कई 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 अंग्रेज सिपाहियों को जहन्नम भेज कर तब जाकर शहीद हुआ। उनके दोनों हाथों में ताकत दो पारे तिलावत की बरकत से आई थी। ये कुरान करीम की तिलावत